एक चाय वाले ने नई मोपेड खरीदी और जुलूस निकालकर बैंड बाजे के साथ में उस मोपेड को शोरूम से अपने घर ले गया। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया, जहां पर इस चाय वाले ने 90,000 की मोपेड खरीदी और 60,000 रुपए आगे जुलूस निकालने में और पार्टी करने में खर्च कर दिए। बिल्कुल, और जब ये जश्न बनाता हुआ वो जुलूस निकालता हुआ सड़क पर निकला तो लोग हैरानी के साथ देखने लगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब इस चाय वाले पर केस दर्ज हो गया है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। शिवपुरी की सड़क पर निकला ये जुलूस अपने आप में अनोखा है। शोरूम से मोपेट को ले जाने के लिए बाकायदा क्रेन मंगवाई गई है। सजी धजी मोपेट को क्रेन में टांग कर ले जाया जा रहा है। ढोल और डीजे भी बज रहा है। जुलूस में कृष्ण और राधा की वेश में नृत्य करने वाली लड़कियां भी हैं। जिधर से भी ये जुलूस निकला, सड़क पर लोग बस इस अनोखे जश्न को रुककर देखते नजर आए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 90,000 की इस मोपेट को शोरूम से घर तक ले जाने के जश्न पर 60,000 रुपए खर्च किए गए हैं, और ये खर्च किया है साइकिल पर चाय बेचने वाले शिवपुरी के मुरारी ने। सुनकर आपको अजीब लगेगा ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि माना की शौक बड़ी चीज है। देखिए जुलूस में सूट बूट में सजा मुरारी किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। मुरारी ने ये मोपेड अपनी बेटी के लिए खरीदी है, और ये जश्न भी बेटी का सपना पूरा करने के लिए ही था। बेटी चाहती थी कि जब उसका मोपेड घर आए तो पूरा शहर देखे। मोड़ी खुशी में अपनी बेटी की खुशी में क्या चाह रही थी? बेटी चाह रही है गाली लंगे तो ऐसी लंगे बन पूरा शहर देखे। मुरारी की बेटी का सपना पूरा हुआ। पूरे शहर ने मुरारी के मोपेट का जश्न देखा। चाय वाले मुरारी के इस शौक की चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन इस चक्कर में अब मुरारी के लिए एक मुश्किल भी खड़ी हो गई है। मुरारी पर बिना इजाजत जुलूस निकालने और तेज आवाज में सड़क पर डीजे बजाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है। 2 साल पहले इसी मुरारी ने एक 12,500 का मोबाइल खरीदा था। इसे इसी तरह जश्न मनाते हुए मोबाइल घर ले जाने के लिए 25,000 रुपए खर्च कर दिए थे।